आज धूप निकली है तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे कपड़े सुखाए और बैठ गई थी मैं चाय पीने के लिए। अब बाहर से ना अंकल जी जा रहे थे घुगनी वाले, तो फिर मेरे को घुगनी भी लेना है। देखो मौसम कितना अच्छा हुआ है, धूप नहीं है लेकिन अच्छा है मौसम। यहाँ पे माधव नमकीन खा रहा है, तो अब जो है ना माधव को थोड़ा सा घूमना है, इधर उधर जाना है। और माधव के लिए ना मैं लेके आई थी जेली, तो बहुत मज़े से खाता है ये जेली, तो फिर मैंने उसको ये जेली भी खिलाया। उसका फेवरेट है ये जेली, और ये वाला जो है ना ये हमें भी बहुत मज़ा आता है। शाम को हस्बैंड गए थे बाज़ार, तो वहाँ से लेके आए हैं ये वेज मोमो। ये इतना मज़े का है ना, और मैं सोच रही हूँ कि घर में बनाऊँ करके। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, अभी थोड़ी देर में देखना है कि अंकल जी यहाँ से जाएंगे, तो फिर वहाँ से फिर मैं घुगनी लेके आऊँगी। सुबह उठते ही इसका शुरू हो गया, इसने डायपर भी नहीं खोला है। बहुत लोग बोलते हैं आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया डायपर पहनता है, मेरा बच्चा पहनता है, तो इसमें मेरी मुझे कोई आपत्ति नहीं हो रही है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए, बच्चे बच्चे को लेके, खाने को लेके। ये जो आप सब फालतू के कमेंट करते हैं इससे मेरा कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। मेरे को तो बस आराम चाहिए, ठीक है। हर कोई अपने लाइफ में आराम ही चाहता है। और माधव जो है बार बार सुसु करेगा तो उसका जो नींद टूट जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तब तो हमें डायपर छुड़वाना ही पड़ेगा। कम से कम 3 साल का हो जाएगा तब मैं उसको डायपर छुड़वा दूँगी, लेकिन अभी जब तक है तो उसमें उसको मैं डायपर में ही रखूँगी, चाहे आप मुझे कैसा भी कमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ घूमनी, और ये अंकल जी को, इनका तो कटोरा होता ही है लेकिन मैं अलग से अपना कटोरा लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से लाते लाते ना गिरगुरा ना जाए, क्योंकि उनका कटोरा जो है ना वो उसका होता है पेपर का होता है। तो इसलिए फिर मैं अपने कटोरी में लेके आई हूँ, और ये बहुत मज़े का है, बहुत ही टेस्टी बना है, आज का बहुत टेस्टी बना है। और अभी मेरे को करना है झाड़ू पोछा, तो अभी थोड़ी देर में ना फिर राकेश लेके आएगा समोसा, और ये मैं रख दे रही हूँ। जब मैंने सुना कि समोसा लेके आ रहा है तो फिर मैंने इसको रख दिया, क्योंकि मैं समोसे के साथ खाना चाहती हूँ घुगनी, बहुत मज़ा आता है समोसे के साथ। और साइड में अभी बन रहा है चाय। अभी सुबह के 9 बजे हैं, और 9 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये देखो ये समोसा लेके आ भी गया। अभी हम लोग ना बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये समोसा और घुगनी, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा था काफ़ी। और अभी जो है ना माधव ने नहा लिया है, तो देखो अभी माधव को थोड़ा सा मैं तैयार करके दे रही हूँ, क्योंकि माधव ना बहुत ज़्यादा रोता है जब उसको हम लोग मतलब नहलाने के बाद उसको लेके आते हैं। उसको और भी नहाना है, हमने तो एक दिन इसको आधा घंटा पानी में रखा फिर भी उसको हुआ नहीं, उसको और भी नहाना है। मतलब उसको सारा दिन हम पानी में रखेंगे तब भी वो पानी में ही रहेगा। आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर।